टेक तक चाय में आपका स्वागत है। और मंडे है, पहला दिन वीक का, और एवरीवन एक्साइटेड एंड सो वी आर। और कारण यह है कि MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 शुरू हो गया है और वहां से काफी सारा एक्शन पहुंच रहा है हमारे पास और हम आपको दे रहे हैं पूरे अपडेट्स। बता दें आपको, काफी सारे फोन्स लॉन्च हुए हैं। ये एक तरह से मेका है मोबाइल फोन्स का, जहां सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं। और फेब में लॉन्च होने के बाद धीरे धीरे अब ये एक दो हफ्ते में इंडिया पहुंचेंगे और जैसे ही इंडिया पहुंचेंगे हम आपको दिखाएंगे वो सभी फोन्स और वो होंगे हमारे पास काफी जल्द। बहरहाल बता देते हैं आपको, आज की टेक तक चाय में जो खबरें हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से वो मोस्टली स्मार्टफोन्स की हैं, जो स्मार्टफोन्स MWC में लॉन्च हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन से और वो है सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S9 और S9 Plus लॉन्च कर दिया है और काफी इंटरेस्टिंग फोन्स हैं ये। मैं आपको कुछ स्पेक्स इसके बता देती हूँ, आगे आने वाले दिन में वीडियो जो आएंगे उसमें हम आपको पूरे स्पेसिफिकेशन देंगे वीडियोस का और उसमें सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या है प्राइसिंग है, ये सभी जो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। लेकिन अभी जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कि क्या क्या और हो रहा है। मेरे पास भी अभी फोन है साथ में और अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछें। बहरहाल सबसे पहले आपको बता दें कि जो सैमसंग S9 है वो लॉन्च हो गया है और उसके स्पेक्स हम आपको बता देते हैं। कीमत से शुरू करें या स्पेक्स से शुरू करें? बहरहाल स्पेक्स से शुरू करते हैं, कीमत आपको बताएंगे, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। सिंगल कैमरा है S9 में, वहीं S9 प्लस में डुअल कैमरा दिया गया है और सिंगल कैमरा जो S9 में दिया गया है वो जो है फ्रंट और रियर दोनों में ही सिंगल है। वहीं पर जो S9 प्लस है उसमें रियर कैमरा डुअल कैमरा है और वो है 12+12 यानी 12 मेगापिक्सल+12 मेगापिक्सल विच इज अ डुअल कैमरा और उसका फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। वही S9 की बात करें तो उसमें हमने जैसे आपको बताया सिंगल लेंस दिया गया है, फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और रियर कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। गयोर मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, शाइनिंग हमारे साथ जुड़े हैं, मुबशी सुने हमारे साथ जुड़े हैं और MWC क्या होता है नितेश पूछ रहे हैं। MWC नितेश इज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मैंने अभी शुरू में ही बताया था आप लोगों को कि वो एक मेका होता है जहां पर सारी कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करती हैं और वहीं से शुरुआत होती है उन फोन्स की जो लॉन्च हुए हैं और धीरे धीरे फिर वो बाकी कंट्रीज में आते हैं। तो थोड़े बहुत फोन्स तो लॉन्च होते रहते हैं हर कंट्री में, लेकिन यहां पर जो उनके फ्लैगशिप्स हैं उनकी जो ग्रेट अनाउंसमेंट है वो पूरे साल इकट्ठी होकर वहां पहुंचती है और वहीं से फिर ये फोन्स लॉन्च होते हैं और फिर निकलना शुरू होते हैं दूसरी कंट्रीज में। जो जैसे गैलेक्सी का S9 और S9 Plus है, फ्लैगशिप फोन्स है, वो लॉन्च हुए हैं सैमसंग के और अब वो अगले 1 से 2 हफ्ते में इंडिया पहुंचेंगे, तभी आप उन्हें खरीद भी पाएंगे। लेकिन उसका जो लॉन्च है, जो मेन लॉन्च है इवेंट, वो MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो कि बार्सिलोना में होता है स्पेन में हर साल, इस साल भी हुआ और चल रहा है, उसके पहले दिन ही ये फोन लॉन्च हुए हैं जिसके बारे में हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें बाकी स्पेसिफिकेशन 5.8 इंच S9 की स्क्रीन होगी और 5.8 जो S9 है गैलेक्सी S9 की है, वही जो S9 Plus है उसकी स्क्रीन काफी बड़ी है, दैट्स अराउंड 6.2 इंच। दोनों ही फोन्स में जो है इंटरनल स्टोरेज सेम रखी गई है इन टर्म्स ऑफ वेरियंट्स, आपको 64 GB, 128 GB और 256 GB मिल जाएगा। वहीं S9 Plus में भी 64 GB, 128 GB और 256 GB मिल जाएगा और जो रैम है वो S9 में 4 GB की दी गई है और वहीं S9 Plus में 6 GB की दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों ही फोन्स में जो मेमोरी है वो एक्सपेंडेबल है, इंटरनल स्टोरेज वो एक्सपैंड कर सकते हैं आप 400 GB तक। जी हाँ, दैट्स क्वाइट अ बिट। एनीवेज आपको ये बता दें फास्ट चार्जिंग भी होगी, क्विक चार्जिंग भी होगी इसमें और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो S9 Plus है उसके जो डुअल कैमरा है उसमें एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल जूम। जी हाँ, 2x ऑप्टिकल जूम है एंड द कैमरा गिवन आर वेरी वेरी गुड। वो कैमरा की ही अपनी एक टेक्नोलॉजी है, वो हम आपको बताएंगे जब हम उस फोन का रिव्यू करेंगे और उस कैमरा की ही हम स्पेशल स्टोरी करेंगे आपके लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें 2x ऑप्टिकल जूम दिया गया है विच इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड फर्स्ट टाइम दैट इट्स यूज्ड इन एनी स्मार्टफोन। बहरहाल अब बात कीमत की कर लेते हैं फटाफट। इंफिनिटी डिस्प्ले है दोनों का ही जैसा आपको बताया और S9 Plus
जो उसका यूएसपी इज द डुअल अपर्चर कैमरा, जैसे आपको बताया अभी, और उसका हम वीडियो आपको दिखाएंगे। सुमित है हमारे साथ जुड़े हैं। iPhone SE 2 when will it be come? SE 2 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, इसका सवाल भी हम आपको अब जवाब दे देते हैं। ये जो WWDC है, वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसमें लॉन्च होगा। ये लगभग मई जून में होती है और ये तभी वहां अनाउंस किया जाएगा नया आईफोन। बहरहाल हम MWC चलते हैं, वहां की बात कर रहे हैं हम। S9 की कीमत बताई जा रही है कि $720 होगी, और अगर हम उसको इंडिया में, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी अराउंड 46,500, और थोड़ा सा पैसा और जोड़ के इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द फोन्स है तो लगभग आपको ये 48,000 50,000 तक पड़ जाएगा। S9 जो है, S9 प्लस की कीमत डॉलर्स में 840 रखी गई है, विच मीन्स अराउंड 54,300, विच मीन्स थोड़े से पैसे और डाल के 57,000 तक आपको पड़ेगा जब वो इंडिया आ जाएगा। तो कीमत हमने आपको बता दी है कितनी होगी, और मार्च 15 से ये यूएस में मिलना शुरू हो जाएगा और बस उसके कुछ ही दिनों बाद इंडिया में भी ये आ जाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं अगले फोन की, वो है नोकिया के फोन, जिसका सबको इंतजार था। नोकिया फोन, नोकिया इज एट अ स्प्री, वो कमबैक कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और उनके कमबैक फोन में भी एक अलग ही मैजिक है। आपको बता दें कि नोकिया 7 प्लस लॉन्च हुआ MWC में, 6 इंच का ये फोन है, फुल HD, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 दिया गया है इसमें, और 4GB की रैम दी गई है, एंड्रॉइड प्रोग्राम दिया गया है इसमें, Android 1, और हो सकता है कि इसमें Android P भी दे दिया जाए जल्द। और 18:9 एस्पेक्ट रेशो है, 12 megapixel प्लस 13 megapixel डुअल कैमरा है, डुअल कैमरा दिया गया है बैक साइड पे, नोकिया 7 प्लस की हम बात कर रहे हैं, और फ्रंट कैमरा है 16 megapixel का, और इसकी कीमत आपको बताएं भारत में लगभग ये 32,000 रुपए का मिलेगा, 32,000 का हो सकता है, नोकिया 7 प्लस की हम बात कर रहे हैं। एनीवेज नेक्स्ट ऑफ व्हाट वी हैव, बहुत सारे स्पेक्स थे इसलिए मुझे एक्चुअली आज लिखना पड़ा, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग एनीवेयर, और क्योंकि बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए हैं तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिकेशन भी काफी सारे हैं। नोकिया 8 है, सिरोको उसका नाम रखा गया है, ये इंटरेस्टिंग फोन है। आपको बता दें कि इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है 5, डुअल कैमरा है इसमें भी 13 megapixel प्लस 12 megapixel, और वही 5.5 इंचेस की स्क्रीन रखी गई है, और 3260 mAh बैटरी रखी गई है। ये वन ऑफ द फ्लैगशिप्स भी है, और इसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए की है। जी हाँ, नोकिया अब फ्लैगशिप किलर्स ला रहा है प्रीमियम सेगमेंट में भी, और जो ये फोन है उसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए रखी गई है, यानी कि अब नोकिया प्रीमियम कैटेगरी में भी बाकी स्मार्टफोन्स के ब्रांड को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो लोग ये सेगमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते या इतना पैसा नहीं डालना चाहते, उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अब मैं फोन आपको बताने वाली हूँ, दे आर अमेजिंग। नोकिया 1, बहुत टाइम से इसका इंतजार हो रहा था, एंड्रॉइड जो है इसमें दिया गया है, एंड्रॉइड गूगल का जो गो एडिशन है वो इसमें दिया गया था। हमने कुछ ही टाइम पहले आपको बताया था कि गूगल गो अब स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, नए स्मार्टफोन्स जो कि इस तर्ज पे होंगे गूगल गो के, जिसमें जो सॉफ्टवेयर है वो बाकी एंड्रॉइड से थोड़ा कम परफॉर्मेंस वाइज होगा, लेकिन उसकी कीमत भी एकदम नीचे जाएगी और काफी सस्ते स्मार्टफोन्स अब बाजार में आने शुरू हो जाएंगे। तो नोकिया 1 से शुरुआत हुई है गूगल गो की, और आपको बता दें कि 4 इंच की इसकी स्क्रीन होगी, और 8GB इसमें रैम दी जाएगी, और 2150 mAh बैटरी होगी। स्पेक्स वाइज बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, और कीमत इसकी होगी लगभग 5,400 रुपए। तो अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में नहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। नोकिया 1 काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था, और बहरहाल अब ये फोन लॉन्च हो गया है, बहुत जल्द ये आने भी वाला है भारत। और आपको बता दें हम कि एक और फोन नोकिया की तरफ से लॉन्च हुआ है, वो है नोकिया 8110 4G। ये एक बनाना शेप्ड फोन है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें वाईफाई दिया गया है, 6,300 इसकी कीमत रखी गई है, और ये भी एंड्रॉइड 1 पर ही चलेगा, और काफी खूबसूरत फोन है। इट्स लाइक अ लॉन्ग फोन, वेरिन इसमें फ्लैप दिया गया है नीचे की साइड, जहां कीबोर्ड होता है उसको आप बस स्लाइड करें और वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको बताएं कि इसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है, 6,300, विच इज प्रीटी डिसेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और आपको बता दें, फोन हम पहले यूज करते थे घरों में, द कॉर्डलेस फोन, उसी का कुछ लुक लाइक है ये, और मैट्रिक्स मूवी में भी आपने ये फोन देखा होगा, बनारस शेप है,
इसको येलो और ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपको बता दें, हम हुआवे ने अपने दो पैड्स लॉन्च करे हैं और ये पैड्स हमने देखे थे जब हम चाइना थे, वहां से हमने लाइव किया था, तो आपको फर्स्ट लुक हमने दिखाई थी इसकी लाइव में, पर वो अभी इंडिया नहीं आए थे तब, और अब बार्सिलोना में लॉन्च हो गए हैं और लगभग अगले महीने ये इंडिया में लॉन्च होंगे। मेट बुक एक्स प्रो और मीडिया पैड M5 है, ये दो टैबलेट्स हैं जो लॉन्च हुए हैं हुआवे की, और बहुत ही खूबसूरत है, यकीन मानिए मैंने इसको देखा है अपनी ही आंखों से, बहुत खूबसूरत टैबलेट्स हैं। और अब टैबलेट्स जिस तरह से लॉन्च हो रही है, हमें लग रहा है कि अब दिल मेक अ कमबैक इन इंडियन मार्केट, क्योंकि अब उसकी जरूरत भी होती जा रही है, क्योंकि लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना यूट्यूब यूज कर रहे हैं, इतना फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो कारण लग रहा है कि अब टैबलेट्स कमबैक करेंगी। हाँ, फैबलेट कुछ ज्यादा नहीं चल पाए, फैबलेट इस टैबलेट और फोन का मिक्सचर, थोड़ा बड़ा फोन पर टैबलेट से छोटा, दैट्स फैब्रिक, बट वो ज्यादा नहीं चल पाई क्योंकि वो वियर्ड डिजाइन था उसका, पर टैबलेट मुझे लग रहा है अब कम बैक करेगी जिस तरह से अब कंपनीज दोबारा से लॉन्च करने लगे अपने टैबलेट्स के नए नए मॉडल्स। एनीवेज, अब आपको बताते हैं हम अगला, आपको टैबलेट्स के बारे में बता रहे थे, हुआवे के मीडिया 8.5 मीडिया पैड लॉन्च हुआ है, 8.5 जो स्क्रीन साइज है वो, और दूसरा वेरियंट है 10.8 का, इसमें भी एक और वेरिएंट है 10.8 में ही, और कीरी 960 इसमें प्रोसेसर दिया गया है चिपसेट का, 2560:1600 इज द रेजोल्यूशन, और ये अभी स्पेसिफिकेशन हमारे पास है मीडिया पैड और मेट बुक एक्स प्रो के, हुआवे ने जो लॉन्च करी है MWC में। और अब एक और चीज जो आपको बताना चाहेंगे वो है LG की, LG ने भी अपना फोन लॉन्च कर दिया है, LG V30 काफी चला था, LG V30 अब एक और वर्जन में आया LG V30 प्लस, और जो अभी लॉन्च हुआ है वो है LG V30S थिन क्यू, LG V30S प्लस थिन क्यू, थिन क्यू नाम रखा गया है फोन्स का, दो मॉडल लॉन्च हुए हैं, जो LG V30S थिन क्यू है उसकी रैम है 6GB की और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, वहीं LG V30S प्लस थिन क्यू है उसकी जो रैम है वो है 6GB की, लेकिन जो उसकी इंटरनल स्टोरेज है वो 256GB दी गई है। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है LG के फोन्स के बारे में, बाकी हम आपको बताएंगे, इसकी कीमत का अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, पर आपको बताएंगे कि कीमत क्या है आने वाले वीडियोस में। और Alcatel ने भी अपने फोन्स लॉन्च करे हैं, Alcatel 5, 3, 3V और 3X, और जो मेन फोन उन्होंने लॉन्च किया है जो कि Android Go के तर्ज पे है, जैसा आपको बताया Android Go में जो फोन्स होंगे वो थोड़े सस्ते होंगे, और Alcatel 1X स्मार्टफोन लॉन्च किया है Alcatel ने, 5.3 इंच स्क्रीन है, 960:480p इसका रेजोल्यूशन है, काफी सस्ता फोन ये भी है Alcatel की तरफ से, तो जितने भी Android Go के जो फोन लॉन्च होंगे वो सभी आपको 5000 तक की रेंज में मिल जाएंगे। तो Nokia 1 जैसे आपको बताया 5400 रुपए का होगा, और वहीं Alcatel 1X भी लगभग 5000 तक ही टच करेगा, जितने भी Android Go के फोन MWC में लॉन्च होंगे वो 5000 रुपए तक के होंगे। तो आप देख ही लीजिए कि इंडियन मार्केट जो है अब स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में एक नई कैटेगरी बन रही है, जहां आपको स्मार्टफोन्स मिलेंगे अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा डिस्प्ले, अच्छी बैटरी, अच्छे कैमरास के साथ, और कीमत सिर्फ 5000 रुपए, विच इज नॉट अ बैड। सो द प्रीमियम सेगमेंट हैज टू कम डाउन फॉर द पीपल टू एक्चुअली बाय अ प्रीमियम फोन, जब आपको प्रीमियम फीचर्स ही इतने कम दामों में मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये फोन अब प्रीमियम कहां स्टैंड करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और MWC ये काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं अब भारत में, वो एक अच्छा कॉम्पिटिशन देंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि 5000 रुपए तक के आपको स्मार्टफोन्स जिसमें की सभी स्पेक्स काफी अच्छे और प्रीमियम है वो मिल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको लोडाउन दिया MWC के फोन्स के बारे में, और बाकी हम वीडियो आपको बताते रहेंगे आगे क्या क्या आने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टेक तक क्लास है, ट्रेन बुकिंग करना चाहते हैं तो वो भी अब आने ही वाला है कुछ ही देर में, वो भी देखिएगा, और पूरे दिन वीडियोस चलते रहेंगे टेक तक पे। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे यूट्यूब चैनल टेक तक का तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि हमने कौन सा वीडियो किया है। ट्रस्ट मी, वी ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब हियर, और हमें आपका सहयोग चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और क्या देखना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, तब ओके सवाल का जवाब एकदम नहीं दे पाएंगे लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, MWC का पूरा अपडेट 2018 चलता रहेगा टेक तक पर, शाम को भी टेक का पैक मिलेगा, वहां पर हम आपको अपडेट दे देंगे कि आज के क्या MWC के लॉन्चेस रहे, और कल भी हम मिलेंगे पूरी अब 3-4 दिन जब तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चल रहा है, आपको अपडेट देंगे हम टेक तक पर ही लाइव।